अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है शाहजेब, मैं लाया हूँ आपके लिए वीकली होरोस्कोप 14 जून 2021 से लेकर 20 जून 2021 तक का जो वीक है वो आप लोगों के लिए कैसा होगा, क्या कुछ होने जा रहा है इस वीक में, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। मगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता जाऊँ, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन का बटन को प्रेस कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आप तक टाइम से पहुंच जाए। जी स्कॉर्पियो, स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए वीकली प्रिडिक्शंस। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे वीक का स्टार्ट हो रहा है 14 जून को। 14 और 15 जून 2021 को मून लियो में होगा, आप लोगों का 10th हाउस बनता है। लियो का लॉर्ड सन जेमिनी में होगा, आप लोगों के 8th हाउस में। 14 और 15 जून आप लोगों के लिए बहुत अच्छे दिन हैं, आपको माशी और समाजी तरक्की मिलती हुई नज़र आ रही है, आप अपने प्रोफेशन में एक्सेल करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी इज्जत मिलेगी, शोहरत मिलेगी, फाइनेंशियल बेनिफिट होते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके वालिद और वालदा के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात रहेंगे, आपके वालिद और वालदा आपको मुख्तलिफ मामलात में आपको गाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो इसके अलावा आप अपने वालिद या वालदा की मर्ज़ी से कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपको जो वालदा या वालदा वालिद या वालदा की तरफ से कोई प्रॉपर्टी मिल रही है उसमें अगर कोई लड़ाई झगड़े हैं तो उनको रिजॉल्व करने के लिए ये 2 दिन बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा वो लोग जो कि पॉलिटिशियंस हैं या इक्तदार में है, उनकी सियासी कुव्वत बढ़ती हुई नज़र आ रही है, उनकी अवाम में पज़ीराई पड़ती हुई नज़र आ रही है, उनको इज़्ज़त मिलती हुई नज़र आ रही है। वो लोग जिनकी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, उनको बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा वो लोग जो कि दूसरे ममालिक की नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, रेजिडेंस परमिट या वीज़े के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनको बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपको लग रहा था कि आप पर किसी ने जादू किया हुआ है या आपको कोई नज़र लगी हुई है तो आपको इन 2 दिनों में रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा वो लोग जो कि सर्विसेज कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा टाइम है, उन्हें अपने बॉस की तरफ से अप्रिसिएशन मिलेगी, अपने कुलीग्स की तरफ से सपोर्ट मिलेगी। इसके अलावा वो लोग जो कि जेलों में हैं या जिनके अदालतों में मुकदमा चल रहे हैं उनको इन 2 दिनों में रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। 16, 17, 18 जून को मून वर्गो में आ जाएगा, आप लोगों का 11th हाउस बनता है। इसके आपको अपने बड़े भाइयों से सपोर्ट मिलती हुई नज़र आ रही है, घर के बड़ों से सपोर्ट मिलती हुई नज़र आ रही है, आपकी ज़हनी और ज़ाती ख्वाहिशात पूरी होती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा वो लोग जो कि पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, तजारत कर रहे हैं, उनको बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है, आपको बीमारियों से निजात मिलती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा अगर आप अंदरून मुल्क या बैरून मुल्क का सफ़र 16, 17, 18 जून को करेंगे तो इन 3 दिनों में भी आपको सफ़र करने से फ़ायदा होगा। इसके अलावा आपके अपने नेबर्स के साथ बड़े अच्छे, हमसायों के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात रहेंगे। वो लोग जो कि अपना घर तब्दील करना चाहते हैं उनको बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है, आपके छोटे बहन भाई आपको सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, उनसे आपको बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा वो लोग जो कि लिख कर बोल कर या गाना गा कर पैसे कमाते हैं उनको बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। वो लोग जो कि पब्लिशिंग, मीडिया, ब्रॉडकास्टिंग से मुंसलिक है उनको बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है 16, 17 और 18 जून को। 19 और 20 जून को मून लिब्रा में आ जाएगा, आप लोगों का 12th हाउस बनता है और उसका लॉर्ड जो है वो कैंसर में आ जाएगा, यानी 9th हाउस में आ जाएगा। यहाँ पर आपके अखराजात होते हुए भी नज़र आ रहे हैं लेकिन आपको बेनिफिट मिलता हुआ भी नज़र आ रहा है, लक आपको फेवर करेगी। यहाँ पर आप मौज मस्ती करते हुए नज़र आ रहे हैं, इश्क माशके करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो आपके हिडन रिलेशनशिप हैं या ऑपोजिट सेक्स के लोगों के साथ जो फ्रेंडशिप है उन पे पैसा खर्च करते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी जो आपके ऑपोजिट सेक्स के लोगों के साथ दोस्ती उन पे पैसा खर्च करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा वो लोग जो कि दूसरे ममालिक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या जिनके बिजनेसेस हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेसेस हैं, उनको बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। वो लोग जिनके दूसरे ममालिक में फॉरेनर्स के साथ दोस्ती हैं, ऑपोजिट सेक्स के लोगों के साथ, उनको के लिए बड़ा अच्छा टाइम है, वो इश्क मुआशके लड़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा वो लोग जो कि दूसरे ममालिक में पैसा कमाने गए हुए हैं उनको बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है, जो आला तलीम हासिल करने गए हैं उनको बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा 19 और 20 जून को आपको अचानक कहीं से दौलत मिल सकती है, कोई आपको गिफ्ट दे सकता है या आपकी कोई लॉटरी या प्राइज़ बॉन्ड भी लग सकता है, लेकिन उसी तरह ये पैसा
आप खर्च कर देंगे, उन दो दिनों में आप बहुत शाय खर्ची करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आपको ज़रा आप अपने एक्सपेंसेस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत थी। ये स्कॉर्पियंस ये थी वीकली प्रिडिक्शंस आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। काइंडली अपने पॉजिटिव फीडबैक का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।